हेलो दोस्तों, मैं हूँ देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर स्टॉक मार्केट में आके ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, मैं पर्सनली कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, और आप अगर बिगिनर हैं तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में जो है बहुत अलग अलग तरीके के टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 1 डे, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। सो 5 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट की 5 कैंडल को मिलाएंगे तो 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम बनता है, 5 मिनट की एक कैंडल बनती है। फिर 5 मिनट की 3 कैंडल को मिलाएंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनता है, मतलब 5 मिनट की 3 कैंडल बनेगी तो फिर 15 मिनट की 1 कैंडल बनेगी। सो इस तरीके से टाइम फ्रेम जो है कैंडल्स होती हैं और इसी को टाइम फ्रेम बोलते हैं। अब जब पूरे दिन भर में जो चीज़ हुआ है उसको जब देखेंगे, पूरे दिन भर की कैंडल्स को मिलाएंगे तो 1 डे की कैंडल बनेगी। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अलग टाइम फ्रेम देखते हैं, बाइंग करते हैं तो अलग टाइम फ्रेम देखते हैं। बहुत सारे बिगिनर लोग होते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं मार्केट में एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं एंड हमेशा ट्रैप हो जाते हैं। तो आप एज अ बिगिनर जब आते हैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो इसे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, इसे मैं बताऊंगा किस सिनेरियो में आपको देखना है, ठीक है। वीडियो में आगे बने रहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, वो है 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लिख के ले लो, ऑप्शन बाइंग में बहुत बढ़िया रहेगा। और बिगनर हो तो 5 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम भूल के मत देखना, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना है जब आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करते हो, ठीक है। उसके ऊपर आपको कन्फर्मेशन लेने के लिए जाना है 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, ठीक। और पूरा आपको मतलब जब पूरे दिन का आपको एनालिसिस करना, जब आप नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आपको देखना है 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। इस तरीके से 1 डे का आपको टाइम फ्रेम देखना है। हाँ, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे आज जहाँ से मार्केट घूमी ये लेवल था, ऊपर का लेवल था, तो इसी तरीके से मैं भी बताऊँगा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी हम वापस आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो रीज़न बहुत सिंपल है, देखो जब 1 मिनट में, देखो आप कोई भी मार्केट में पैटर्न बनता है ना, तो हर अगर एक सपोज एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया है, सपोज करो जो मार्केट यहाँ से घूमी है ये मार्केट के लिए एक तरीके से मान लेते हैं, ऐसे सपोज मान लेना, ठीक है। ये जो है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया 549 का, ठीक है। अब मार्केट जो है यहाँ से ऊपर निकलती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, 1 मिनट का कैंडल आप देख रहे हो, तो हम आ जाएंगे 1 मिनट में। यहाँ पे आप 1 मिनट का देखोगे कैंडल तो मार्केट इसके ऊपर निकल चुकी है, ठीक है। आप अगर ट्रेड लेते ना तो यहाँ पे आप ट्रेड एक्टिव कर लेते, देखो ये रेजिस्टेंस एरिया था, अब इसके ऊपर मार्केट निकल गई, ठीक, और फिर वापस उल्टा कितना ज़्यादा रिवर्स हो गई है। तो अगर 1 मिनट में यहाँ पे ट्रेड लेते तो आप ट्रैप हो जाते, ठीक। अब हम वहीं आएंगे 5 मिनट पे। अब देखो 5 मिनट में इसके ऊपर मार्केट नहीं निकली है, ठीक। अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे, जब एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के ऊपर, तब आपका वहाँ पर ट्रेड बनेगा। सो इसलिए 5 मिनट का बहुत अच्छे काम करता है। उसके बाद आप 15 मिनट में भी जा सकते हो, देखो 15 मिनट में भी ऊपर नहीं है, लेकिन 15 मिनट वाले में दिक्कत ये हो जाती है कि मान लो आप 15 मिनट का एक कैंडल का वेट करोगे क्लोज होने के लिए, और उतने देर में आपका अगला टारगेट ये बनेगा तो कैंडल वहाँ तक चली जाएगी। अभी भी लोग नहीं समझोगे, कहने का मतलब ये है कि एक ये 15 मिनट की कैंडल निकल रही है, आप क्या करना, जब एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, जैसे बोलता हूँ 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज आ रही है तब आपको ट्रेड लेना है, इसी तरीके से 15 मिनट की क्लोज होगी तब तक पता चले आपको टारगेट मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है। 15 मिनट आपको कहीं कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखना पड़ेगा, जैसे ये एरिया था, ठीक है, ये एरिया आप देखोगे, ये एरिया मार्केट के लिए, ये आई थिंक कल की कैंडल, हाँ ये 9:15 वाली कैंडल है, उसके बाद से ये एरिया रेजिस्टेंस का था, इसको जब तोड़ा फिर रिटेस्ट दिया फिर एक अच्छा मोमेंटम वहाँ तक आया। तो यहाँ पे जो 15 मिनट वाली कैंडल है वो एक अच्छा कन्फर्मेशन देती है बुलिश या बेयरिश ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो 15 मिनट में आपको हमेशा देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हो, 100 पॉइंट 80 पॉइंट 150 पॉइंट का ट्रेड ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना है 5 मिनट के कैंडल पे, ठीक है। अगर एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 5 मिनट वाली कैंडल क्लोज हो जा रही है तो फटाक से आपको ट्रेड में एंटर कर लेना है, ठीक है। और अगर एक सपोर्ट टूटता है, ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे 200 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जो 200 लेवल वाला सपोर्ट था ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो इसके नीचे जब एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको फटाक से ट्रेड में एंटर कर लेना है 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। ऐसे ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट का टारगेट बना के चलोगे तो किस बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो 1 मिनट का अब बताता हूँ कैंडल आपको कब देखना है, ठीक है। तो सपोज जो है मैं क्या करता हूँ, मैं एक मॉनिटर में 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, एक उसके बगल मॉनिटर जो रहता है उसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, ठीक। तो आपके
पास अगर दो मॉनिटर नहीं है, अगर दो मॉनिटर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉनिटर आपके पास दो तीन होने चाहिए, अगर सपोज दो मॉनिटर नहीं है तो आपको लाइक जो भी आपका ब्रोकर है, अगर आप सपोज ज़ीरोधा में आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो यहाँ से आपको मल्टीपल चार्ट्स हो जाएंगे, ये ट्रेडिंग व्यू में पेड होता है। अगर आपके पास ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो जो ब्रोकर्स चार्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ये ऑप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर देना है दो में, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना है, ठीक है, यहाँ वाले में आपको यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, एक में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है और इधर 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, सपोज आपने ऑप्शन बाइंग किया है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग आपने करके रखा है 5 मिनट में, ठीक, एक्सपायरी जैसे हो गया, एक्सपायरी हो गया, वेनसडे हो गया, या फिर कभी कभी मार्केट में बहुत इंटेंस मूव आ जाती है, बहुत तेज कैंडल्स ऊपर जाने लगती हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सुबह वाली कैंडल ही आप फॉर एग्जांपल देख लो, ठीक है, 5 मिनट में कितनी बड़ी वीक बनी है, मतलब 600 के आसपास, कहाँ से 438 के आसपास, मतलब यहाँ पे समझ लो 150 पॉइंट से ज़्यादा जो है 5 मिनट की, मतलब ये 3 मिनट के अंदर मूवमेंट हुआ, फिर मार्केट वहीं पर वापस भी आ गई है। तो अभी हम सुबह वाले में पहुँच जाएंगे, 9:15 पे यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर सुबह आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया होता और अगर 5 मिनट की कैंडल देखते तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। सो इसलिए जब मोमेंट बहुत तेज होने लगता है तो बगल वाला 1 मिनट का कैंडल क्या करता है, दिखता है कि जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक मार्केट पहुँचने वाली है, तो लोग फटाक से प्रॉफिट, जैसे यहाँ जहाँ से घूमा है ना ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया, ठीक, तो वहाँ पे आप इजीली प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। तो 1 मिनट वाला कैंडल देखना है, लेकिन 1 मिनट वाले पे ट्रेड नहीं लेना है। 1 मिनट वाली कैंडल क्यों देखनी है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक, आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है इसलिए आपको 1 मिनट की कैंडल देखनी है। और ट्रेड हमेशा जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसको 5 मिनट पे करना, ठीक है। अब ये एक्सपायरी रहता, ठीक है, सपोज एक्सपायरी के दिन ना बहुत तेज़ी से, ये बहुत तेज़ी से मूव आ रही थी, ये भी मूव बहुत तेज से आई थी, ठीक है, तो आपको एंट्री तो 5 मिनट में लेनी है, लेकिन एग्जिट जो है 1 मिनट में आप कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूँ, सारे दिन नहीं, मतलब जो जिस दिन मार्केट बहुत तेज मोमेंटम करती है तो आप 1 मिनट वाला खोल के रखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि आप एकदम, सपोज कर लो, एकदम जो टॉप बनेगा ना वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 1 मिनट वाला देखोगे, ठीक है। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है एंट्री और एग्जिट लेना है, और उससे ऊपर 15 मिनट वाला जो है, 15 मिनट भी आप देखो, एक बड़ा ट्रेंड आपको 15 मिनट का कैंडल बताता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है, इस इंडिकेटर के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा, ये मूविंग एवरेज है, कौन सा मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ, किस तरीके से ये काम करता है। सो अभी इस वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद मैं मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। सो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। सो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस जो है टाइम फ्रेम पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ होता है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेते आऊँगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।